जब कोई प्लस टू कॉमर्स से क्लियर करता है तो मोस्टली यही ऑप्शंस माइंड में आते हैं कि हम एमबीए करेंगे बीकॉम के बाद। फिर टेम्पटेशन आता है, यार आधा सीए तो हो गया है, चलो थोड़ा एफर्ट डाल के और एफर्ट कर लेते हैं। और फिर शुरू होता है जिंदगी का एक विशियस साइकिल। हमारे पास इन आर फाइनेंशियल मॉडलिंग एवैल्यूएशन प्रोग्राम इन इक्विटी रिसर्च और कंसल्टिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस और डेटा एनालिस्ट, सक्सेस आज नहीं मिली है आगे मिलेगी। जब कोई प्लस टू कॉमर्स से क्लियर करता है तो मोस्टली यही ऑप्शंस माइंड में आते हैं कि हम एमबीए करेंगे बीकॉम के बाद, लेकिन गैट तो थर्ड ईयर में देना है और अभी क्या करें, चलो सीए फाउंडेशन दे देते। तो सीए फाउंडेशन दिया, निकल गया। सीए इंटर दिया, वो भी निकल गया। और फिर टेम्पटेशन आता है, यार आधा सीए तो हो गया है, चलो थोड़ा एफर्ट डाल के और एफर्ट कर लेते हैं, कैट तो हम कभी भी दे देंगे, सीए कंप्लीट करते हैं बिकॉज आधी सीए निकल चुके। फिर शुरू होता है जिंदगी का एक विशियस साइकिल। सीए फाइनल का एक ग्रुप देते हैं, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, फिर एक ग्रुप निकल जाता है। और फिर होता है कि चलो यार इतना टाइम तो दे दिया, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ टाइम का, एक और एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के हम दूसरा ग्रुप निकाल देते हैं। और फिर करते रहते हैं, टाइम निकलता जाता है लेकिन ग्रुप नहीं निकलता। अब ग्रेजुएशन हो चुकी है, एज इज कैचिंग अप, एमबीए का प्रिपरेशन का कुछ भी नहीं किया और सीए का कुछ हो भी नहीं रहा। फिर होता है कॉन्फिडेंस का एकदम मतलब बैकफायर, और तभी हमें लगता है कि प्राइम ऑफ अवर यूथ में हम कर क्या रहे हैं यार। फिर डिप्रेशन आता है और कॉन्फिडेंस की एकदम लो हैंगिंग हो जाता है, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं और लाइफ बहुत हेवी लगने लगती है। उस सीए डिग्री के कारण जो शायद हमारी कभी फर्स्ट प्रायोरिटी थी ही नहीं, बट क्योंकि शुरू कर लिया तो कंप्लीट तो करना ही है और टाइम निकलता जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं पर आके एक मतलब पेशेंस की कंप्लीट वो हो जाता है कि यार बस मेरा स्टॉप लॉस हो गया है कि अब मैं इसके आगे नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हम सीए ड्रॉप करते हैं। And this, I'm saying this with experience of so many candidates who come to us in the Wall Street School. कि CA को बहुत time दिया, लेकिन अब वो period हो चुका है कि अब इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। अब CA छोड़ दिया, मतलब completely finally drop the idea कि अब और CA नहीं करेंगे, ठीक है? और feeling वो वाली आती है कि is this the end of the world? कि क्या हम इतने निकम्मे हैं कि हम नहीं निकाल पाए CA? Even though we were good in our school, school में तो अच्छे थे, लेकिन आप कुछ भी नहीं निकाल पाए। आर वी दैट वर्थलेस? आर वी दैट यूजलेस? नो, रिमेंबर, ड्रॉपिंग आउट ऑफ सीए प्रोग्राम इज जस्ट अ प्लॉट ट्विस्ट इन योर एपिक सेगा। एम्ब्रेस योर फाइनेंशियल प्रोग्रेस, चूज योर एडवेंचर एंड कॉन्कर द बिजनेस वर्ल्ड लाइक अ बदास दैट यू आर और यू हैव बीन इन योर स्कूल डेज। डाइव इनटू रोल्स लाइक फाइनेंशियल एनालिसिस और इवन फाइनेंशियल कंसल्टिंग वेयर यू कैन स्लिंग नंबर्स लाइक अ प्रो विदाउट इवन द सीए लेवल। हमारे पास इन आर फाइनेंशियल मॉडलिंग एवैल्यूएशन प्रोग्राम वी गेट लॉट ऑफ सीएस एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स एंड सीए ड्रॉपआउट्स इन द सेम बैच डूइंग द सेम फाइनेंशियल मॉडलिंग एवैल्यूएशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, एंड मोस्ट ऑफ देम गेट सिमिलर प्रोफाइल्स इन इक्विटी रिसर्च और कंसल्टिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस और डेटा एनालिस्ट। द ओनली डिफरेंस शायद ज्यादातर आता है, दैट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन टर्म्स ऑफ अ कंपनसेशन पैकेज, एक सीए को डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा। हाँ, शायद आपको बिग फोर नहीं लेगा, आपको बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं लेगा, आपको द गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनलीज ऑफ द वर्ल्ड एज अ फ्रेशर नहीं लेंगे, बट इट्स ओके, द लॉट ऑफ बुटीक फर्म्स विल बी विलिंग टू हैव यू, हायर यू, लेट यू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल इन बुटीक फर्म्स एंड सब्सटेंशिएट योर क्रेडेंशियल्स बाय डूइंग ईदर सीएफए और एन एफआरएम और एन एसीसी अलोंग विद योर जॉब, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। Life goes on, जीवन चलने का ना। Success आज नहीं मिली है, आगे मिलेगी। अगर आप talented हैं, अच्छे हैं, तो there is no reason for you to not get success.